संथाल समाज में समगोत्री यौन संबंध निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब रोक है, ठीक है। समगोत्री यौन संबंध जो है यह आपका संथाल समाज में निषिद्ध है, ध्यान से सुनिएगा। समगोत्री मतलब क्या? एक ही गोत्र, सैम गोत्र, एक ही वंश है ना, पता चला। हाँ, तो समगोत्रीय जो है, ठीक है, ये आपका रोक है, निषिद्ध है, ध्यान सुनना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि मान लीजिए इस तरह का कभी घटना हो जाता है तो उसको जाति से, समाज से बहिष्कृत किया जाता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? उसको समाज से क्या करता है, तो निकाल दिया जाता है ना, बिटला। समाज में हम आपको बता रहे हैं कि समगोत्रीय यौन संबंध निषिद्ध है। यदि इस तरह का कोई गलती करता है तो उसको जाति से निकाल दिया जाता है, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ी बहुत ज्यादा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। थोड़ा समझना है क्या बोल रहे हैं, और याद रखिएगा, इसको अकाल, अतिवृष्टि, मान लीजिए इस तरह का यदि समाज में घटना हो रहा तो अकाल आने का चांस रहेगा। आराम से जानना, टकराना मत, अकाल आने का चांस रहेगा, पता चल रहा। तो बहुत ज्यादा बारिश हो सकता है, पता चल रहा। याद रखिएगा, महामारी आ सकता है, इस तरह का घटना हो सकता है। तो बोल रहा है कि समाज में यदि कभी इस तरह का हो गया तो ये सब क्या है, तो अकाल का कारण अकाल हो सकता है, बहुत ज्यादा बारिश हो सकता है, पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। अब देखिए क्या है, महामारी आ सकता है। तो बिटला का जो सजा दिया जाता है, मान लीजिए किसी को हम समाज से मान लीजिए बाहर कर रहे हैं, तो ये किस लिए हम कर रहे हैं? ताकि याद रखिएगा, जो ईश्वर या कोप है ना, जो ईश्वर हमको दंडित करेगा अकाल ला करके या बहुत ज्यादा बारिश ला करके, इससे हम बचने के लिए बिटला का सजा दे रहे हैं। समझ में आया क्या बोले? तो ईश्वर ये कोप से बचने के लिए जो सजा दिया जाता है, क्या है वो? बिटला है। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो ना? ध्यान सुनना, सब्जेक्टिव है ये, एकदम बढ़िया समझना है। देखिए तो याद रखिएगा, बिटला हम आपको बता रहे हैं, ये आपका कोई यौन संबंधी मामला आता है उसमें समाज से बहिष्कार करने का सजा दिया जाता है। और सजा देना जरूरी क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा, यदि आप सजा नहीं देते हैं तो इस समाज में समझा जाता है कि अकाल हो गया है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो गया, महामारी, ये सब आ सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, मतलब ईश्वरीय कोप से बचने के लिए, उसको कौन सा सजा दिया जाता है? बिटला। देखिए अब जो सामाजिक बहिष्कार होता है, समाज से मान लीजिए हम किसी को बहिष्कार करते हैं, तो ये पंचायत के निर्देश के अनुसार होगा, है ना। पंचायत क्या करेगा, उसके लिए आदेश जारी करेगा उसको समाज से बहिष्कार करने के लिए। और कोई यदि मांझी है तो वो अकेले डिसीजन नहीं लेगा बिटला का, आसपास का गांव का जो मांझी है ना, तो सबके के साथ मिलजुल करके, ठीक है, चार पांच को मांझी के साथ मिलजुल करके बैठक करके बातचीत करके जो है, याद रखिएगा, बिटला का सजा सुनिश्चित करता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो बिटला का सजा दिया जाता है ना, तो पंचायत बाकी मांझियों के निर्देश के अनुसार देता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये है कि यदि मान लीजिए यौन संबंधी अपराध यदि सिद्ध हुआ और यदि कोई आदमी अफवाह फैला रहा है, मान लीजिए कोई अपराधी हो गया, ठीक है, और उसके बारे में यदि कोई आदमी अफवाह फैला रहा है, लनफन बोलता है ना आदमी का आदत रहता, तो याद रखिएगा उसके लिए कड़ी सजा की व्यवस्था है समाज में। मतलब ऐसा नहीं कि आप मान देखो, वो तो समाज बदनाम होगा ना उससे, तो समाज को मान लीजिए आप कोई घटना इस तरह का घटित हो गया, चलिए ठीक है, अब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, कोई आदमी क्या करता है कि अफवाह फैला रहा, बोलते चारों तरफ बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, तो याद रखिएगा उस व्यक्ति के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था है इसमें, इस समाज में, पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज क्या है कि इसमें जो है, बैठो बैठो, देखिए आपसी सहमति से भी मामला को निपटाने का कोशिश किया जाता है, कि आपसी सहमति से आप मामला निपटा सकते हैं। तो बिटला एक बार हो गया, उसके बाद आपको समाज में दोबारा आने का भी सिस्टम है, हम आपको बताएंगे कि आपको एक बार समाज से बाहर निकाल दिया तो आप दोबारा कैसे समाज में आ सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस हम आपको बता देंगे,
बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं कि किस टाइप से होता है ये? ठीक, देखिए जैसे दोबारा आना है तो क्षमा याचना के बाद भोज वगैरह कराना पड़ेगा, हम आपको प्रोसेस आगे बताएंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये जो बिटला हम आपको बता रहे हैं ना, यदि मान लीजिए संथाल समाज जो है ये किसी गैर संथाल के साथ यदि यौन संबंध बना लिया तो वो ज्यादा बड़ा अपराध माना जाता था। बात समझ पा रहा? जैसे संथाल समाज में यदि होता है ये तो अपराध है ही है, लेकिन यदि गैर संथाल के साथ यदि हो जाता है तो फिर वो और ज्यादा बड़ा अपराध माना जाता था। ऐसे में यदि मान लीजिए कोई जो गैर संथाल है तो याद रखिएगा उसको काफी यातनाएं भी दी जाती थी, उसको सजा भी मिलेगा, पता चल रहा? तो यदि मान लीजिए अपना समाज में हो रहा है तो अपराध है, बड़ा अपराधी है, लेकिन यदि गैर संथाल के साथ आप मान लीजिए इस तरह करते हैं तो वो आपका ज्यादा बड़ा अपराध माना जाएगा, है ना? देखिए समझना है, ये इस तरह का यदि घटना होगा तो हम बोल सकते हैं ना कि इसको एक रूपता का विघटनकारी हम नहीं समझ सकते हैं, एकता में कमी ना आ रहा है, समाज आपका मान लीजिए बिगड़ रहा है, समझ पा रहे हैं? तो ये तो गलत है। तो याद रखिएगा इसमें, देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों दिया जाता है। ठीक, तो जब कभी भी मांझी बिटला का सजा देगा तो अकेले नहीं देगा, गांव का हम आपको बता रहे हैं कि आसपास के जो पंचायत है ना, उन लोगों के साथ बातचीत करके देता है। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटला का अंतिम जो स्वीकृति होता है, अंतिम निर्णय परगनेत सुनाता है। बहुत ऊपर होता है, हम प्रशासन में बताएंगे सबके बारे में। ठीक है, हाँ, तो बिटला का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो परगनेत लेता है, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, पता चल रहा? तो कौन लेता है? तो परगनेत लेता है। ठीक, देखिए बिटला जब सुनिश्चित हो जाता है, सुनिश्चित होने के बाद गांव का, याद रखिएगा जोग मांझी का नाम सुने आप लोग, जोग मांझी या कोई अन्य व्यक्ति जो है ना, एक साल की टहनी लेगा। थोड़ा समझना है क्या बोल रहे हैं, बढ़िया समझना है आप, जोग मांझी क्या है, परगनेत क्या है, जब प्रशासन पढ़ाएंगे तो बताएंगे सबके बारे में। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए बोल रहा है कि जोग मांझी जो है ना, एक साल जो होता है, साल समझते हैं, साल, तो साल का एक टहनी लेगा और एक सप्ताह पहले जो है कोई निकटवर्ती जनजातीय जो हटिया वगैरह लगता है ना वहां पे जाएगा, तो साल की टहनी में जितना पत्तियां होगा, पत्ती, ठीक है, उतने ही दिनों के बाद, याद रखिएगा, बिटला की तिथि मानी जाती थी। आज के डेट में ये सब नहीं चलता है, बिटला वगैरह जो है ना ये सब खत्म हो चुका है, बसरते याद रखिएगा। आप यदि मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे बिटला जो बता रहे हैं, ये कॉमन हो चुका है, मतलब हर जितना बार झारखंड में परीक्षा होता है लगभग लगभग आपको मिल जाएगा इस सबसे टॉपिक से क्वेश्चन। बात समझे क्या बोले? तो सिस्टम क्या है कि साल की एक टहनी लेके जाएगा हटिया, ठीक है, अब याद रखिएगा उसमें जितना भी पत्ता होगा तो उतना दिन के बाद बिटला की तिथि मतलब मानी जाती थी कि उतना दिन के बाद सजा होगा। ठीक है, अब कहीं कहीं याद रखिएगा ढोल वगैरह बजाकर भी बिटला की तिथि का सूचना दिया जाता था कि इस दिन जो है इसको समाज से हम बहिष्कार करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब देखिए क्या है, जब अंग्रेज आया, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज जब आया ना ब्रिटिश काल में, तो याद रखिएगा बिटला की कार्यवाही के दौरान कोई अनुमंडल पदाधिकारी हो गया या दंडाधिकारी हो गया, उन लोग भी इससे संबंधित कानून बनाता था, व्यवस्था करता था, मतलब उन लोगों ने भी हस्तक्षेप किया था इसमें। बात समझे क्या बोले? कि जब अंग्रेज आया तो उन लोगों ने हस्तक्षेप किया, तो बोला बिटला का भी सजा होगा तो हम लोगों के नियंत्रण में ही होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? देखिए यदि किसी के साथ बिटला मतलब किसी को समाज से यदि आप बहिष्कार कर दिए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा उस परिवार के साथ कोई भी समाज का आदमी शादी विवाह नहीं करवाएगा, उस पर रोक लगा देगा, एक घरिया समझता है तुम लोग, समाज से उसको एकदम अलग कर देगा पूरी तरह से, है ना? देखिए जैसे जब याद रख, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि जैसे मान लीजिए आपका बिटला निश्चित हो गया किसी का, उसके बाद बहुत सारा गांव का जो भीड़ है वो गुस्सा से जाएगा, उसका घर चूल्हा उल्हा जा करके तोड़ देगा, घर तोड़ देगा। पता चल रहा है कि ऐसा भी देखने को मिलता, और भी बहुत अलग अलग टाइप का हरकत भी करता था। ठीक, तो इस तरह का भी घटना देखने को मिलता था। देखिए यदि बिटला यदि किसी को हुआ है, सजा दिया गया, और उसको यदि मान लीजिए आप शरण देते हैं, तो फिर याद रखिएगा आपके साथ भी उसी टाइप का व्यवहार हो सकता है।
आपको भी सजा मिल सकता है। पता है, जिस आदमी को मान लीजिए समाज से निकाल दिए हैं, आप उसको यदि शरण देते हैं ना, तो याद रखिएगा आपको भी सजा मिल सकता है। आप देखिए क्या हुआ, समाज में फिर से आने का व्यवस्था है। यदि आप दोबारा आने चाहते हो तो गांव के मांझी से आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, ठीक है। प्रार्थना आप किए गांव के मांझी को, और गांव का मांझी जो है ये चारों ओर सूचना देगा जाति जॉम के लिए। जॉम का मतलब पता है जल्दी हमको, बोलो रे पीछे बोलो, खाना मतलब पार्टी के लिए इंफॉर्मेशन देगा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, ध्यान सुनना कि हाँ, मतलब आप यदि दोबारा समाज में आने चाहते हो, ठीक है, तो याद रखिएगा निर्देश देगा सबको कि आप समाज में आ रहा है तो सबको खिलाएगा पिलाएगा, वो तब ना आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें सिस्टम क्या है, जो बहिष्कृत व्यक्ति रहेगा जिसको सजा मिलेगा, वो एक कपड़ा गर्दन में लपेट के आएगा और हाथ में एगो पानी से भरा लोटा लाएगा। बात समझ में आ रहा? तो तुम लोग कोई नहीं देखा, ये होता ही नहीं है समाज में अभी, ठीक है, नहीं हाँ बहुत पुराना जमाने में होता था। तो वो आपका गर्दन में वो कपड़ा लपेट के लाएगा, ठीक है, और हाथ में वो पानी भरा लोटा लेके आएगा, निगाह एकदम नीचे करके रखेगा, तुम गलती किया माथा पर मारो करेगा तुम, पता चल रहा? तो निगाह एकदम नीचे होना चाहिए। आप देखिए क्या है, तो वो आपका नीचे निगाह करके गली का जो प्रवेश मार्ग होता है, जैसे गली का जो चौराहा होता है ना प्रवेश, वहाँ वो खड़ा रहेगा, वहाँ पे आपका मांझी रहेगा प्रज्ञेत, पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? इम्पोर्टेंट जो पर्द है ना, ये सब वहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले आपका क्षमा वगैरह मांगेगा वो, है ना। अब देखिए क्या है, तो प्रति जो आपका प्रज्ञेत और मांझी जो है ना, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है कि चलो आप ये गलती वगैरह नहीं करेगा, है ना। तो उसके हाथ में जो पानी से भरा लोटा रहता है ना, जल पात्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, पानी से भरा लोटा जो रहता है वो ले लेगा हाँ उसके हाथ से, और उसी से सबको मुंह वगैरह धो लेगा थोड़ा बहुत, पता चल रहा है ये सिस्टम चलता है ना। आप देखिए उसके बाद उसका घर जाएगा, बहिष्कृत व्यक्ति का घर जाएगा, प्रज्ञेत और मांझी जो है दोनों का पैर धोएगा वो आदमी जो बहिष्कृत हुआ है, ठीक, और सबको भोजन वगैरह कराएगा, और कुछ पैसा जैसे प्रज्ञेत को 5 रुपया और मांझी को 1 रुपया देता था, बात समझे, ये व्यवस्था था कि प्रज्ञेत को कितना देना होगा 5% और मांझी को आपको 1 रुपया देना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसके बाद क्या, आपका सबको खाना पीना खिला दिए, आप दोबारा समाज में आ गए। आप देखो दोबारा समाज में आ गया, आने के बाद यदि मान लीजिए तुम यदि चिढ़ाता है ना कि तुम्हारा तो बिटला हुआ था, बड़ी मार खाएगा तू, पता चल रहा, अब तुम भेदभाव नहीं कर सकता उसके साथ, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा बिटला जो है इसका प्रोसेस है, आप इसको साधारण भाषा में समझ लोगे ना तो आपसे लिखा जाएगा क्या क्या होता है। तो 100 शब्दों में लिख नहीं पाएगा तुम लोग इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिटला तुम लोग समझ गया क्या है ये, बोलिए कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो। बिटला सजा सर लड़के वाले परिवार को देता है या लड़की वाले दोनों को दे सकते? क्या ये जिसका गलती होगा ना उसी को दिया जाता है? देखिए गलती होता है।